दोपहर कालीन स्वाध्याय में वैसे तो अपनी नियम सार परमागम की कुछ गाथाओं पर अपनी चर्चा चल रही थी। आप थोड़ी सी वो चर्चा करके और फिर अपन जो कुछ एक दो संस्मरण गुरुदेव श्री की ओर बताने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आज निकालेंगे देखो 101 नंबर की गाथा। 101 नंबर की गाथा में आपने 12 भावनाएं 12 भावनाओं में एक एकत्व भावना पढ़ी होगी, पढ़िए है ना, पूजा में भी आती है ना, देव सास गुरु की पूजा में भी एकत्व भावना आती है। मैं एकाकी तरह की बात यहां पर कहा है कि यहां इस गाथा में संसार अवस्था में और मुक्ति में जीव निसहाय है। निसहाय का मतलब किसी दूसरे की सहायता ना संसार में जीव को है और ना मुक्ति में जीव को है। ठीक है, बहुत अच्छी गाथा। देखो एगो यमरदि जीवो एगो य जीवदि स्वयं एक सजादि मरणम एको सिचंतिनी रहो। हरि गीत है इसका बहुत अच्छा। मरता अकेला जीव एवं जन्म एकाकी करे पाता अकेला ही मरण हर मुक्ति एकाकी करे। इस गाथा में क्या कहा कि इस गाथा में दो तरह के मरण की चर्चा की गई है। सुनना जरा ध्यान से, दो तरह का मरण कौन कौन सा होता है कि एक तो हर समय अपनी आयु कर्म का निषेध फिरता है। हर समय अपन समझ रहे हैं अपने शरीर के अंदर आत्मा रहती है तो वो हर समय एक एक समय करके अपने आयु के निषेध फिर रहे हैं, उसे कहते हैं नित्य मरण। और एक बार इस आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अगले भाव में चला जाएगा उसे कहते हैं द्रव्य मरण। तो कहते हैं कि मरने के काल में जीव अकेला है, जन्मता है तो किसी को साथ लेकर के नहीं आता, जन्मता है तो भी जीव अकेला है। ठीक है, और क्या कहा, देखो ये कितना बढ़िया बात कही कि जीव अकेला मरता है और स्वयं अकेला जन्मता है। अकेले का मरण होता है और अकेला रज रहित अर्थात मोक्ष रहित होता हुआ सिद्ध होता है। मतलब क्या, अगर अपने को मुक्ति प्राप्त करनी है तो मुक्ति की प्राप्ति में भी अपना कोई सहायक नहीं है, संसार में भटकना है उसमें भी कोई सहायक नहीं है। ठीक है, किसी पर द्रव्य की पर पदार्थ की सहायता में या सहायता की भावना में अपने उपयोग को खराब करने का कोई मतलब नहीं है। ये बात सुनकर समझकर अपने को क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जब जन्मना जन्म में मरण में संसार के भटकने में संसार का अभाव करने में अगर मैं अकेला ही हूं और मेरा कोई सहायक नहीं, संसार में कोई मुझे भटकाने वाला नहीं और मोक्ष में मुझे कुछ कोई पहुंचाने वाला नहीं, मैं अपने पुरुषार्थ की विपरीतता से संसार में भटकता हूं और अपने पुरुषार्थ की समीचीनता से मुक्ति को प्राप्त करता हूं, यदि ऐसा वस्तु का स्वरूप है तो अपने को क्या करना, तो अपने को यही काम करना। क्या काम करना अपने को, अपने आत्महित के पुरुषार्थ में लग जाना योग्य है। पंडित टोडरमल जी ने बहुत मार्मिक प्रेरणा दी, अब सब प्रकार से अवसर आ गया है,
ठीक है। और ऐसे अवसर में अपने को ये जिनवाणी सुनने को मिल रही है, ये वीतराग वाणी सुनने को मिल रही है, ठीक है ना। ये भगवान आत्मा की चर्चा अपने कान में पड़ रही है, ये अपना महाभाग्य है। गुरुदेव श्री तो ऐसा बोलते थे कि महाभाग्य हो तब तो ऐसी वाणी कान में पड़ती है, ऐसी वाणी कान में पड़े, वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा, वीतरागी संत ज्ञानी धर्मात्माओं की वाणी अपने कान में पड़े, इसके लिए भी महाभाग्य होना चाहिए। तो उस बात का अंतर परिणमन अपने जीवन में कैसे हो, इसके लिए अपने को प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है। जीवन का एक एक क्षण अपन लोगों का निरंतर हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, प्रति समय मर रहे हैं, क्योंकि एक एक समय के आयु का निश्चय हमारा जा रहा है। और ये देह छोड़ करके आत्मा अन्य गति में चला जाएगा तो उसकी इस देह में रहने की जितनी अवधि है वो तो नक्की है, और जितने समय हमारे बीत रहे हैं वो मृत्यु के समीप आकर के ही आने के लिए ही बीत रहे हैं, है ना। तो अपने को सब प्रकार का प्रमाद छोड़कर अपनी आत्मा का हित कर लेने में अपना भला है, और ये काम अगर हमने नहीं किया अगला जन्म, बहुत से लोग बोलते थे भैया हम तो यहाँ नहीं करेंगे, हम तो क्या करेंगे, हम तो यहाँ से मध्य स्वर्ग जाएंगे, फिर वहां से विदेह क्षेत्र जाएंगे, और विदेह क्षेत्र जाके भगवान के समोसन में जाएंगे, ठीक है, और वहां जाके करेंगे। तो मैंने कहा तुम इस भव के पहले कितने भवों में भगवान के समोसन में रहे हो ये पता है, अनंत बार भगवान के समोसन में अपन रहे हैं, और भगवान के समोसन में भी अपने को कोई जादू मंत्र नहीं मिलेगा, वहां भी भगवान के शरीर के दर्शन होंगे, उनकी वाणी सुनने को मिल जाएगी, और वो वाणी अपने को यहां सुनने को मिल रही है, तो अपना हित यही कर लेना आवश्यक है। अपन लोग सोचते हैं, अपन लोग बिल्कुल वो आते ना, कौन सा मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने नहीं आते, देखे होंगे ना, तो वह ऐसे सपने अपन ढोते रहते, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, जैसे इसको किसी ने लिख के दे दिया तो अगला भाव तो तेरा स्वर्ग का ही है। ये जितने भी कथन हैं अपने को जगाने के लिए, ये गाथा है, इसकी ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं, बहुत सरल सरल गाथाएं हैं, जिनवाणी का रसपान जितना कर सको। देखो तुम लोगों को तो क्या है, चार पांच साल जितने टाइम को यहां रहने के बाद, यहां से निकलने के बाद जब दुनिया के रंगमंच पर आप लोग जाओगे तब पता लगेगा आटे दाल का भाव क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जो अवसर मिला कि इस अवसर का भरपूर उपयोग, क्यों, क्योंकि वो संसार में कबड्डी तो जिंदगी भर खेलनी है, ठीक है ना, लेकिन अभी जो अवसर मिला है ये अवसर आप लोगों के जीवन का स्वर्णिम काल है। सोचो कोटा के अंदर कितने बच्चे होंगे, है ना, कोटा तो शिक्षा नगरी कहलाती है, हाँ, लाखों बच्चे किसी के मकान में, किसी छात्रावास में किराया से रह करके वहां पढ़ रहे हैं, उनमें से कितने बच्चों को नमोकार मंत्र भी रोजाना कान में पड़ता होगा। जैनियों के बच्चों की बात करता हूँ, अजैन की तो बात छोड़ दो। तो अपन लोग तो महासौभाग्यशाली हैं, ऐसी जिनवाणी अपने को दो दो तीन तीन बार एक दिन में अपने को सुनने को मिल रही है। तो अपना जीवन, जीवन का आदर्श हमारे लिए हमारे गुरुदेव श्री हैं, जीवन का आदर्श, उनके आदर्श पर अपने को चलने की भावना होनी चाहिए। और गुरुदेव श्री उन्होंने अपने जीवन में, देखो उनका नियम क्या था, आप सुनो जरा, आप गुरुदेव के उस पर आता हूं थोड़ा, कि गुरुदेव श्री के प्रवचन का जो समय होगा, गुरुदेव श्री आज अपन उस बात को नहीं निभा पाते कई बार, लेकिन
गुरुदेव श्री का जीवन ऐसा जीवन था कि मान लीजिए स्वाध्याय मंदिर में से निकल करके सिमंदर जिनालय में गुरुदेव जा रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पत्थर रखे थे ना छोटे छोटे उनको चलने के लिए, वो मतलब घास वास नहीं हो, मैंने बताया था आपको। तो मान लीजिए पांचवें पत्थर पर गुरुदेव ने पैर रखा तो कितने बजकर कितने मिनट हुए होंगे ये नक्की होता था। यानी गुरुदेव के जीवन से, गुरुदेव की दिनचर्या से लोग अपनी घड़ियां मिलाया करते थे। गुरुदेव श्री का उनका स्वाध्याय जीवन कितना था मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। आज गुरुदेव श्री जब 4 बजे उठते थे, प्रतिदिन 4 बजे गुरुदेव बिस्तर छोड़ देते थे, उठने के साथ ही वो 175 चीजें, 175 गोल होते थे उनके, जिनकी उठते ही वो स्वाध्याय करते थे। कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूं, देखो सुनो जरा। सैतालीस शक्तियां, 47 नए, 20 अलिंग ग्रहण के बोल, 6 अव्यक्त के बोल, ठीक है, 10 श्रीमद राजचंद्र, स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता देखो, ऐसे जो 10 बोलते वो समय सार की 1 नंबर की गाथा से लगा करके 16 नंबर तक की गाथा प्राकृत, पंच बाल यति तीर्थंकरों का स्मरण, ये उनके जीवन की दैनिक खुराक थी। और 47 शक्तियों में केवल नाम नहीं, एक एक शक्ति की परिभाषा सहित एक एक शक्ति का वो स्मरण करते थे। 47 नयों के नाम नहीं, 47 नयों के वो जो स्मरण करते थे उनका, अलिंग ग्रहण के 20 बोल केवल नाम नहीं, एक एक बोल का वो स्मरण करते थे, 24 तीर्थंकरों के नाम और पंच बाल यति तीर्थंकरों का विशेष स्मरण, ये उनके जीवन की शुरुआत, उनके जीवन की सुबह यहां से होती थी। दिनचर्या क्या थी गुरुदेव श्री की, है ना। उसके बाद वो उठकर के जिनालय में दर्शन वगैरह करके अपना नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने शरीर की शुद्धि करके गर्म दूध पीते थे। एक भी दिन गुरुदेव श्री ऐसा नहीं हुआ होगा कि मंदिर में गए और उन्होंने अर्घ चढ़ाए बिना कुछ लिया हो, ऐसा उनका जीवन। दूध लेने के बाद प्रवचन का जो समय होता था उस प्रवचन के समय से आधे घंटे पहले प्रवचन की पाठ पर जाकर के विराजमान हो जाते थे, और जो गाथा प्रवचन में चलनी है उस गाथा को, उस गाथा के विषय को वे पढ़ते रहते थे, अपने आप उस पर चिंतन मनन विचार करते रहते थे। और मान लीजिए 8 बजे का टाइम है, अब घड़ी ने 8 बजाई और गुरुदेव श्री का मंगलाचरण शुरू हो गया। 1 घंटा गुरुदेव श्री पूरा प्रवचन करते थे, 1-2 मिनट कम या कभी कभार 1-8 मिनट ज्यादा हो जाता था, लेकिन गुरुदेव समय का कभी गुरुदेव ने अतिक्रमण नहीं किया, समय के पक्के पाबंद थे। समय सार और समय दोनों हमें गुरुदेव से सीखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता था कि प्रवचन के बाद वहां पर वो बैठते थे तो जो कुछ विशेष लोग होते थे जो उनसे मिलते थे, कोई पत्र पत्रिकाएं आई हो, कोई विशेष बात आई हो, समाज की कोई विशेष हलचल हुई हो तो उसकी माहिती लेते थे। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन, और एक बात आपको बताऊं मैं कि गुरुदेव श्री का भोजन बिल्कुल फिक्स था 12 महीने। अपन को तो बदल बदल के खाने की आदत है ना,
है ना। अपन लोग तो क्या करेंगे, आज ये बनाओ, कल ये बनाओ, परसों ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ। अपन लोगों की तो है गुरुदेव श्री का भोजन फिक्स, इतने फुलके तो उतने फुलके, एक दाल, एक हरी सब्जी, पापड़, और वो भी कैसा, उसी दिन का बनाया हुआ। कभी गुरुदेव ने मिठाई नहीं ली, कुछ नहीं, ये गुरुदेव का भोजन होता था। भोजन करने के बाद गुरुदेव श्री स्वाध्याय मंदिर में कुछ चक्कर लगाते थे, मतलब घूमते थे थोड़ा सा। घूमने के बाद आधे पौन घंटे वो विश्राम करते थे, और विश्राम करने के बाद फिर अपनी स्वाध्याय में लग जाते थे, ठीक है। और स्वाध्याय के बाद फिर क्या होता था, तो फिर दिन का समय हो जाता था प्रवचन का, तो वही प्रवचन में पहले से आके बैठ गए। प्रवचन पूरा हुआ, प्रवचन पूरा हुआ तो फिर कोई सादर में आया हो, उससे कुछ चर्चा वगैरह करनी हो तो वो करते, और वो करने के बाद सायंकालीन भोजन, सायंकालीन भोजन के बाद थोड़ा सा और घूमते, घूमने के बाद सॉरी एक और रही बात, गुरुदेव ने उस सायं दोपहर कालीन प्रवचन के तुरंत बाद जिन मंदिर में भक्ति का प्रोग्राम होता था, तो गुरुदेव श्री भक्ति के प्रोग्राम में विराजते थे। भक्ति के प्रोग्राम में विराज करके थोड़ा बहुत उनको घूमना हो तो घूम फिर के स्वाध्याय मंदिर में आटा चक्कर लगा करके और शाम का भोजन किया, और उसके बाद फिर क्या करते थे, वो कोई सादर में आया, मिला, जो कुछ हुआ, उसके बाद सायंकालीन तत्व चर्चा का प्रोग्राम होता था। और सायंकालीन तत्व चर्चा में सुनना ध्यान से, सोनगढ़ की इतनी बढ़िया परंपरा थी कि दोपहर के और सुबह के प्रवचनों में महिला और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए प्रवचन खुले रहते थे। सायंकालीन चर्चा में इधर गुरुदेव श्री की चर्चा होती थी उस कंपाउंड में, स्वाध्याय मंदिर के कंपाउंड में, उसमें केवल पुरुष वर्ग अलाउ था, और उसी समय बहनों के लिए, बहन श्री बहन के जो उनका जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, उस ब्रह्मचर्य आश्रम में स्वाध्याय का कार्यक्रम रहता था। तत्व चर्चा की और फिर गुरुदेव श्री अपनी इन जो अभी मैंने आपको सारी बातें बताई, इन सभी बातों का वापस चिंतन करते करते और शयन करते थे। कितनी भी गर्मी हो, गुरुदेव श्री के शयन कक्ष में एसी की बात तो बहुत दूर, कूलर की बात तो बहुत दूर, लेकिन उसमें पंखा भी लगा हुआ नहीं है, और वो आज तक नहीं लगा हुआ। समझ आ गया कि नहीं आ गया, है ना। ये गुरुदेव का जीवन, और सोने के बाद फिर वापस सुबह उठ के वही दिनचर्या। यानी कहने का मतलब क्या कि उनका पूरा जीवन और जीवन का एक एक क्षण या तो साधर्मियों के साथ तत्व चर्चा, प्रवचन, सामूहिक तत्व चर्चा, अथवा स्वाध्याय के रंग में रंगा हुआ उनका जीवन होता था। और जब उनको ऐसा उनका जीवन था ना, उनको स्वप्न भी बड़े अद्भुत आते थे। गुरुदेव श्री के बहुत ऐसे, गुरुदेव श्री के ऐसे बहुत से स्वप्न हैं। एक बार उन्होंने स्वप्न में क्या देखा कि पूरा आसमान शास्त्र के पट्टियों से लदा पड़ा है, शास्त्र के शब्द लिखे हुए हैं और पूरे आसमान पर शास्त्र के मैंने वो पट्टियां लगे हुए हैं, ऐसा है ना। और उसका उसके प्रतीक रूप में, उस स्वप्न के प्रतीक रूप में सोनगढ़ के अंदर परमागम मंदिर की रचना हुई। परमागम मंदिर की रचना में भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कल्याणक मनाया जा रहा था 2025 सोमवार, उस समय परमागम मंदिर की रचना हुई, और उसके अंदर समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, संस्कृत टीका सहित और अष्टपाहुड, आचार्य कुंद कुंद के ये पंच परमागम
संगमरमर के पट्टियों पर उत्कीर्ण कराए गए थे। उसके पहले देखो, कल अपनी चर्चा सोवानी जी तक हुई थी, है ना। ऐसे बहुत से लोग हुए, सोवानी जी का एक नाम आया, ऐसे बहुत से लोग हुए कि जो गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान की आराधना, उनका प्रभाव, उनके प्रचार प्रसार से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के उन्होंने सोनगढ़ की ओर अपना प्रयाण किया और सोनगढ़ जाकर के गुरुदेव श्री के रंग में वे रंग गए। यही अपने यहां पर जो बाबू युगल जी का नाम आपने सुना होगा, सुना है? कौन सी पूजा रखी उन्होंने? केवल रवि। और दूसरी सिद्ध पूजा। अपने यहां पर कोटा का भी एक प्रसंग आपको बताता हूं कि कोटा के अंदर बाबूजी थे तो उस समय बाबूजी मूलतः जैन परिवार में नहीं जन्मे हैं, ये आपको बताऊं। मूलतः जैन परिवार में नहीं जन्मे थे, वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था और वे कोटा में दत्तक पुत्र होकर के एक जैन परिवार में आए। उस समय कोटा के अंदर एक बाबू ज्ञानचंद जी हुआ करते थे, ज्ञानचंद जी, और वे गुरुदेव के अनुयायी थे, गुरुदेव के अध्यात्म से प्रभावित थे और उनकी प्रेरणा से बाबूजी को धर्म की रुचि तो हो गई थी, लेकिन उनकी प्रेरणा से बाबूजी सोनगढ़ गए। ये भी शायद लगभग 46 की बात है। तो उस समय जब बाबूजी सोनगढ़ गए और पहली बार उन्होंने गुरुदेव श्री को देखा, गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने, वहां की लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा में वो बैठे, समझ आ गया, और गुरुदेव श्री का सानिध्य लाभ प्राप्त करके जब वे वापस आ रहे थे, बाबूजी बोलते थे हम तो गुरुदेव को पहली बार देखा तो हमारे सारे जितने मिथ्या भ्रम थे सब प्रक्षालित हो गए। और जिस समय वापस वो सोनगढ़ आ रहे थे तो सोनगढ़ से आते समय ट्रेन यात्रा के दौरान इस केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, इस पूजा की रचना बाबूजी ने ट्रेन में की थी कि जो पूजा आज अपने मुमुक्षु समाज में ही नहीं अपितु हर किसी भी संस्था से प्रकाशित, कुछ एक दो अपवाद को छोड़ दो तो लगभग सभी संस्थाओं से प्रकाशित पूजा संग्रह में बाबूजी की वो पूजा ससम्मान स्थान प्राप्त है। गुरुदेव के योग में लगभग गुरुदेव के पूरे जीवन काल में, जैसा कि मैंने बताया था, सोनगढ़ के सिमंदर जिनालय की पहली प्रतिष्ठा हुई थी और बड़ोदरा की अंतिम प्रतिष्ठा हुई थी। उसके पहले गुरुदेव श्री नैरोबी पधारे थे, विदेश में भी दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना का पहला सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हुआ तो वे हमारे गुरुदेव श्री। उन्होंने अपने जीवन में 33 पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं उनके माध्यम से उनकी उपस्थिति में संपन्न हुई थी और गुरुदेव श्री पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में जब संपन्न होते थे, आप आज भी उन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों की वीडियो देख सकते हैं। वीतरागवाणी पर सब वीडियो उपलब्ध है, जितनी उपलब्ध है वो सब उसमें डाल दी गई है। गुरुदेव श्री हर पंच कल्याण की छोटी सी छोटी क्रिया में भी गुरुदेव श्री की उपस्थिति रहती थी। आदर्श पंच कल्याण हुआ करते थे वो। और जब मुनि राज को आहार दान का प्रसंग होता था पंच कल्याणक में, मुनिराज को, मुनिराज दीक्षा कल्याणक होता है ना,
तो दीक्षा कल्याणक में जब आहार दान का प्रसंग होता था तो सर्वप्रथम मुनिराज को आहार दान देने का सौभाग्य गुरुदेव श्री को मिलता था। और उस समय की उनकी मुद्रा अगर आप देखो पंच कल्याण प्रतिष्ठा की वीडियो में, आपको लगेगा कि अंदर में कितनी भक्ति भावना उनके अंदर में उल्लसित होती थी। वैराग्य कल्याण मान दीक्षा कल्याण के दिन गुरुदेव श्री जब वैराग्यमय प्रवचन करते थे, हर पंच कल्याणक में गुरुदेव श्री का वैराग्यमय प्रवचन होता था, और उस वैराग्यमय प्रवचन में गुरुदेव श्री अपूर्व अवसर एवो क्यारे आव से क्यारे थैसु बाह्य अंतर निर्ग्रंथ, जब श्रीमद राजचंद्र जी के इस अपूर्व अवसर काव्य पर गुरुदेव श्री प्रवचन करते थे, और कभी कभी तो गुरुदेव श्री वैराग्य रस में इतने भींग जाते थे, अंदर से वैराग्य फूट फूट करके मानो बाहर आ रहा हो, और मुनि भगवंतों का विरह उन्हें ऐसा लगता था कि कई बार प्रवचनों के बीच में उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती हुई लोगों ने देखी, ऐसा वैराग्य उमड़ता था। तो जो पंडित दौलतराम जी ने कहा ना, संयम धर्म सके पे संयम, धारण की उर चकाचती, चिन मूरत दृढ़धारी की मोहे रीति लगत है अटापटी, के गुरुदेव के जीवन में वो बात 100% चरितार्थ होती थी कि भले ही अपनी निर्बलता के कारण पुरुषार्थ की उग्रता न होने से, वर्तमान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता न देख पाने के कारण गुरुदेव श्री ने जीवन में अनुव्रत या महाव्रत प्रतिज्ञा रूप में अंगीकार न किए हो, तो भी उनके जीवन में महाव्रत अंगीकार करने की भावना, मुनि बनने की भावना बहुत उछलती थी। और कभी कभी तो गुरुदेव श्री के उद्गार निकलते थे, अरे आसमान से कोई दिगंबर मुनिराज यहां पधारे और हमें दर्शन दें तो हम उनके चरणों में बैठ करके ये जिनवाणी सुने। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक बार क्या हुआ, कभी मतलब ऐसे प्रसंग जीवन में एक दो बार बने कि गुरुदेव का जो गुरुदेव प्रवचन का समय होने से पहले गद्दी पर आकर के विराजमान हो जाए, ऐसा भी एक बार प्रसंग बना कि गुरुदेव श्री कमरे में नहीं है, प्रवचन का समय हो गया और गुरुदेव श्री कमरे में नहीं है, हड़कंप मच गया, गुरुदेव कहां गए, गुरुदेव कहां गए, गुरुदेव कहां गए। तो हुआ क्या कि गुरुदेव श्री भोजन करने के पश्चात, आहार करने के पश्चात वैराग्य की और अध्यात्म की धुन में घूमते घूमते जंगल में निकल गए, और जंगल में निकल करके भावना भारे आसमान की ओर हाथ उठा के देख करके एक कोई चारण टिड्डीधारी मुनिराज इधर से पधारे और हमको दर्शन दे, ऐसे भी गुरुदेव के जीवन में प्रसंग बने। ब्रह्मचारी हरिभाई थे, उन्होंने एक प्रसंग आत्मधर्म में लिखा था कि हम इस तरह गुरुदेव को ढूंढने गए और हम क्या देखते हैं कि गुरुदेव को मानो मुनिराज की प्रतीक्षा कर रहे हो कि प्रभु पधारो, कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज अगर इधर से निकलते हो तो पधारो हमें दर्शन दे। और वैराग्य की धुन में एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे ऐसी गाथाएं अपूर्व अवसर के काव्य गुनगुनाते हुए लोगों ने गुरुदेव को जंगल में देखा है। प्रबुद्ध स्वाध्याय तो थे, उन्होंने अपने जीवन में जितना स्वाध्याय किया चारों अनियोगों में से ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बचा होगा कि जो वर्तमान में उपलब्ध
उपलब्ध हो और उनके स्वाध्याय का विषय नहीं बना हो। यहां तक कि गुरुदेव श्री जब यात्रा के लिए विहार करते थे और जगह जगह पंच कल्याणक हो रहे हैं, कहीं वेदी प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मंदिर का वार्षिक उत्सव हो रहा है, उस दौरान देखो ये भी एक इतिहास इस बात को याद करेगा कि जो सखखंडागम माने धवला टीका, कषाय पाहुड़, जय धवला टीका, महाबंद, महाधवला टीका, गुरुदेव के काल में, गुरुदेव के समय से पहले मात्र और मात्र शास्त्र भंडार में दर्शन का विषय था, केवल लोग उनके दर्शन करते थे। गुरुदेव श्री के प्रमुख अनुयायी पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री और उनके सहयोगी विद्वानों ने सखखंडागम, कषाय पाहुड़ और महाधवला की टीका का हिंदी अनुवाद करके जो प्रकाशन का कार्य किया और सबसे पहले उसका प्रकाशन सेठ राजेंद्र कुमार जी के पिताजी थे, खिताब राय वगैरह विदिशा के, उनके यहां से उसका प्रकाशन हुआ और आज सखखंडागम जीवराज ग्रंथमाला सोलापुर से, कषाय पाहुड़ भारतीय विद्या मनोपणाधीन भारतीय जैन संघ मथुरा और महाबंद ज्ञानपीठ से प्रकाशित होता है। इन प्रथम श्रुत स्कंद के आगम के प्रकाशन का काल भी वही था जो गुरुदेव श्री की प्रभावना का काल था और इसमें भी गुरुदेव श्री के शिष्यों का ही मुख्य रूप से योगदान है, यह भी अपने लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। समझ आ गया? इसी तरह एक प्रसंग और सुनो कि गुरुदेव श्री के द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान जो कि मूल आचार्यों का तत्व ज्ञान था, वीतरागी परमात्मा का तत्व ज्ञान था, गुरुदेव ने कभी अपने जीवन में कोई किताब नहीं लिखी। थोड़े बहुत उनके लिखे हुए वाक्यांश मिलते हैं जिनको गुरुदेव के हस्ताक्षर बोलते हैं, कोई किताब नहीं लिखी। दो दिन दो टाइम के प्रवचन और एक टाइम की तत्व चर्चा ने वो कमाल करके लिखाया कि जब गुरुदेव श्री ने आगम की साक्षी पूर्वक ये तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार जोर पकड़ने लगा, तब दो प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूं। एक प्रसंग है कोटा का ही, वो प्रसंग सुनो जरा, वो जोरदार है, सुनने लायक, ठीक है? फिर मेरे को खाने चर्चा का प्रसंग याद है, अपन सुनेंगे कि जब गुरुदेव श्री की अध्यात्म क्रांति जोरों पर थी और उस अध्यात्म क्रांति का विरोध भी जोरों पर था, उस समय दो काम हुए कि विरोध का स्तर इतना नीचे गिर गया था कि कुछ जगह सोनगढ़ और स्मारक भवन से प्रकाशित जिनवाणी को लोगों ने जल प्रवाह किया। उस समय क्यों ऐसा विरोध का वातावरण बना है, तो जब उनके कारणों की जांच की गई तो यह पाया गया कि एक तो विवक्षा को नहीं समझना और अध कचरे प्रवचन का, ये दो इस विरोध के कारण हैं। तभी श्रावण महीने में सोनगढ़ में 20 दिन का शिविर लगता था जिसमें गुरुदेव के प्रवचन होते थे, रामजी बापूजी की, खेमचंद भाई की, बाबूजी की, बाबू भाई की, डॉक्टर साहब की, इन सब की कक्षाएं होती थी। तो जब ये विरोध का वातावरण इतना हुआ तो ये लगा कि इन प्रवचनकारों को भी, जिनको हम प्रवचन के लिए भेजते हैं, इनको भी वक्तव्य शैली का प्रशिक्षण देना चाहिए और ये काम डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल के निर्देशन में 20 दिन के प्रवचन का प्रशिक्षण शिविर भी सोनगढ़ में लगे। और गजब की बात तो यह थी कि उस शिविर में
नए चक्र का जब अध्ययन कराते थे तो नए चक्र का अध्ययन कराते थे डॉक्टर भारिल जी, और डॉक्टर साहब की उस कक्षा को गुरुदेव श्री भी पूरे मनोयोग के साथ में सुनते थे। सुना आप जरा, ये भी एक प्रसंग है कि कभी ऐसा हमारा गुरु कितना महान होगा कि जिनने अपने से गुरुदेव और डॉक्टर साहब है ना, कि डॉक्टर साहब गुरुदेव ने जब परिवर्तन किया था, सुनना ध्यान से, गुरुदेव ने जब परिवर्तन, जिस साल गुरुदेव ने परिवर्तन किया लगभग डॉक्टर साहब का जन्म भी उसी साल का है, समझा गया। तो वो प्रशिक्षण शिविर चालू हुए, शिक्षण शिविर चालू हुए, ये अपने वितरा विज्ञान प्रशिक्षण बहुत सारा कहानी है। कोटा का एक प्रसंग, उस समय जब ये इतना विरोध का वातावरण चल रहा था तो कुछ लोगों ने एक योजना बनाई कि रामपुरा के निकट जो अभी जो मंदिर में स्वाध्याय चलता है ना, उसके पास एक चैत्यालय है, आपको पता होगा, बोरवाल मंदिर के पास एक चैत्यालय है, आदिनाथ चैत्यालय, वहां पर गुरुदेव श्री का एक चित्र लगा था, और लोगों ने उस चित्र का, एक पंडित शिखर, नाम भी लेता हूं कोई दिक्कत नहीं, पंडित शिखर चंद जी प्रतिष्ठाचार्य थे, उनने विरोध किया, हम कोटा में आकर के आंदोलन करेंगे और कांजी स्वामी के इस चित्र को हटा देंगे। सारे लोग कोटा के मुमुक्षु बाबूजी के भाई रामकिशोर जी वगैरह उस समय सब सोनगढ़ के उस शिविर में व्यस्त थे, और इधर इन लोगों ने इस तरह की योजना बनाई। बाबूजी अकेले थे, बाबूजी ने सोनगढ़ में गुरुदेव श्री को पत्र लिखा कि साहब इस प्रकार का उपसर्ग कोटा नगरी आया है, आप सोनगढ़ से किसी को भेजो। तो गुरुदेव श्री ने वो पत्र प्रवचन में पढ़ा और उसमें कहा अपने में से किसी को जाना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे प्रसंग हैं कि जाना चाहिए, लोग आए भी, लेकिन गुरुदेव ने ये कहा कि फोटो के निमित्त से यदि विवाद होता है तो आप फोटो हटा लीजिए। जब गुरुदेव ने ये कहा फोटो हटा लीजिए, तो बाबूजी के साथ यहां पर सेठ जम्बू कुमार जी बज, नाम तो सुना होगा, सब नहीं सुना हो तो सुनो, जम्बू कुमार जी बज और बाबूजी थे, सब थे। इन लोगों ने नक्की किया कि गुरुदेव ने कहा है कि फोटो हटा लेना चाहिए, तो गुरुदेव को तो यही कहना चाहिए, लेकिन ये फोटो हटेगा तो हमारे जीते जी नहीं हटेगा। और उसके बाद बाबूजी ने एक मैटर बनाया और वो मैटर देश के सभी मुमुक्षु मंडलों को भेजा गया कि आप प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, राजस्थान के गृह मंत्री को, जो भी प्रशासन अधिकारी होते हैं, सबको इस बात के लिए तार करो। और भाई साहब एक दिन दो दिन तीन दिन में तो वहां तारों का ढेर लग गया, बाबूजी की आवाज में वो दम था, मुमुक्षु समाज इस रूप में एकजुट थी, एकमात्र बाबूजी की आवाज पर पूरे देश के मुमुक्षु समाज ने इतने लेटर, इतने तार कलेक्टर के ऑफिस में, एसपी के ऑफिस में, समझा गया, गृह मंत्रालय में, केंद्र सरकार तक पहुंचा दिए कि केंद्र से एक टीम भेजी उन्होंने कि भैया ये क्या लफड़ा है, इसको निपटाओ। और हालत ये हुई कि जिन लोगों को विरोध करने के लिए आना था उन्होंने यहां का वातावरण देख करके अपना प्रोग्राम कैंसल कर दिया और गुरुदेव श्री का वो चित्र यथावत लगा दिया। आया इसी तरह सन 1967-68 की बात होगी कि समाज में गुरुदेव श्री के प्रतिपादन को लेकर के एक वर्ग, कौन सा वर्ग, पंडित मक्खनलाल जी साहब का वर्ग। पंडित मक्खनलाल जी कौन है पता है? मोरेना के एक विद्वान थे और अपने डॉक्टर साहब उनके मोरेना विद्यालय में पढ़े थे। ये मैंने डॉक्टर साहब आ गए गुरुदेव के साथ में,
और उनके गुरुजी विरोध में और इतने कट्टर विरोध में कि वो आपस में उनका जैन गजट निकलता था और अपने पंडित कैलाश सिंह जी वाराणसी वालों का जैन संदेश निकलता था और इन दोनों पत्र पत्रिकाओं में एक दूसरे के खिलाफ आक्षेप लगते थे। सोनगढ़ की ये पद्धति रही, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई, उत्तर नहीं देना ही सबसे बड़ा उत्तर है। गुरुदेव कभी किसी विवाद में नहीं पड़े, कुछ नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने चैलेंज दिया। अभी हुआ क्या कि उस समय एक आचार्य शिव सागर महाराज हुआ करते थे और वे मंद कसाई थे, तो उनको ऐसा विकल्प आया कि भैया दोनों पक्ष के विद्वान बैठ जाओ, आपस में तत्व चर्चा कर लो, लड़ाई झगड़े विवाद करने से समाज का हित होता है। उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक ब्रह्मचारी लाडमल जी थे, महावीर जी में रहते थे, दशम प्रतिमाधारी कहते थे अपने को, और वो उनके संगस्थ कहलाते थे। तो उन्होंने सभी विद्वानों को पत्र लिख करके भावना व्यक्त की कि भाई महाराज जी ऐसा चाहते हैं कि तत्व ज्ञान में विवाद जो चल रहा है पारस्परिक तत्व चर्चा से इसका अंत हो जाए। पंडित फूलचंद जी मुमुक्षु समाज की ओर से और नेमीचंद जी पाटनी पंडित जी के सहयोग में जगनमोहन लाल जी शास्त्री दोनों पक्ष की मध्यस्थता के लिए और बाकी के उधर सारे विद्वान थे। गुरुदेव श्री के पास बात आई चर्चा की तो गुरुदेव श्री ने मना कर दिया, हमको चर्चा नहीं करनी है, हमको हम कोई वाद विवाद में नहीं पड़ते, जिसको समझने की जिज्ञासा हो हम उसको उत्तर दे सकते हैं, वाद विवाद हम नहीं करेंगे। पंडित फूलचंद जी ने कहा कि साहेब ये आप पर आक्रमण नहीं है, क्योंकि आप जैन दर्शन की बात कर रहे हो और ये इस अध्यात्म पर आक्रमण कर रहे हैं, माने जैन दर्शन पर आक्रमण कर रहे हैं और इस आक्रमण का प्रतिकार तो हम करेंगे। ठीक है, नक्की हो गया, नक्की हुआ तो पहले जब पंडित फूल मैंने पूरी मैंने पहले किस तरह चर्चा होगी उसकी पूरी रूपरेखा निकली बनी, तो उस पक्ष के लोगों ने कहा कि हमें इस चर्चा में मात्र आचार्यों के ग्रंथ प्रमाण होंगे। पंडित फूलचंद जी ने कहा आचार्यों के ग्रंथ हो, मुनिराजों के ग्रंथ हो, प्राचीन विद्वानों के ग्रंथ हो, अगर आप इन सब ग्रंथों को प्रमाण मानते हो तो हम चर्चा करेंगे, और अगर आपको इनमें प्रमाणिकता नहीं लगती हमारा कोई चर्चा का मतलब नहीं। सुनना कैसे कैसे तत्व बचा गए। हो गया, नक्की हो गया कि चलो सारे ग्रंथ प्रमाण माने जाएंगे, मोक्षमा प्रकाशन वगैरह सब। अभी चर्चा का दिन नक्की हो गया, खानिया जयपुर के अंदर एक जगह है वहां चर्चा होनी थी। चर्चा कैसे, पहला पक्ष जो अपर पक्ष है अपने से मित्र पक्ष जिसको बोलते हैं अपन लोग, कि वो अपनी शंका लिख के देगा और पंडित फूलचंद जी या उनकी टीम उस चर्चा का उत्तर देगी, फिर उस चर्चा का जो उत्तर उन्होंने दिया उस पर वो प्रतिशंका रखेंगे और फिर ये प्रतिशंका का उत्तर देंगे, फिर इनकी प्रतिशंका पर वो तीसरी बार उत्तर अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद ये तीसरी बार उत्तर देंगे, और इस प्रकार तीन राउंड में वो चर्चा होगी, लिखित चर्चा होगी और बाद में उस चर्चा का दोनों पक्षों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशन होगा। ये नक्की हो गया, चर्चा चली और चर्चा के अंदर दोनों दो राउंड तो आमने सामने हो गए थे और तीसरा राउंड के लिए नक्की किया गया कि ये प्रश्न भेजेंगे पंडित जी के पास और पंडित जी मध्यस्थ के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, और वो सारी चर्चा हो गई, लिखित रूप में वो चर्चा हो गई। और चर्चा में सार क्या निकलना था कि जो सत्य है वो तो सत्य ही रहने वाला था। अब प्रकाशन की बात आई कि दोनों पक्ष मिलकर के इसको छपाएंगे, तो वो पक्ष आनाकानी करने लगा,
जब वो आनाकानी करने लगा तो फिर टोडरमल स्मारक भवन जिसका शिलान्यास हो चुका था और उसमें एक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल ग्रंथमाला बनाई गई। उस टोडरमल ग्रंथमाला में टोडरमल ग्रंथमाला के प्रथम पुष्प के रूप में उन दोनों भागों का प्रकाशन हुआ। जिस समय पंडित फूलचंद जी चर्चा के लिए जयपुर आए तो सबसे पहले वो जयपुर में जानते नहीं थे किसी को, उसमें स्मारक बना नहीं था, काम वाम चल रहा होगा। जयपुर में वो केवल पंडित चैन सुख दासी न्यायतीर्थ को जानते थे, बहुत सुधारवादी विद्वान हुए वो। पंडित जी उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब मैं तत्व चर्चा के लिए यहां आया हूं और तत्व चर्चा पर जाने से पहले मैं उस मंदिर में उस गद्दी पर जाना चाहता हूं कि जहां बैठकर पंडित टोडरमल जी स्वाध्याय किया करते। पंडित जी चैन सुख दास जी पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री को लेकर टोडरमल जी के मंदिर में गए। पंडित जी साहब ने वहां दर्शन किए और पंडित जी जहां पर प्रवचन करते थे पंडित टोडरमल जी साहब, वहां पर जिनवाणी को वंदन करके पंडित जी ने भावना व्यक्त की, हे पंडित टोडरमल जी आपकी नगरी में जैन शासन के संकट को दूर करने के लिए आया, जैन शासन पर आक्षेपों का संकट आया है, आपके मंगल आशीर्वाद से इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो ये भावना में भाता हूं। और इस तरह पंडित टोडरमल जी की उस गद्दी को जहां पर वो स्वाध्याय किया करते थे स्मरण करके पंडित जी चर्चा के लिए गए थे। ध्यान दीजिए, गुरुदेव श्री ने तत्व चर्चा के लिए मना किया था कि हमको विवाद में नहीं पड़ना, क्योंकि उन लोगों को चर्चा नहीं करनी है, उनको विवाद करना है। लेकिन वो लिखित चर्चा का मामला था तो कोई बोलचाल का प्रश्न ही नहीं था। जब चर्चा हो गई, संपन्न हो गई और उसके दो चार महीने बाद, मैंने उसके बाद जब पंडित फूलचंद जी साहब सोनगढ़ पधारे, गुरुदेव को भी उन पंडित जी के प्रति कितना अहोभाव, उन्होंने पूरे मंडल को जहां से पंडित जी उतरे सोनगढ़ में उतरने वाले थे बैंड बाजा लेकर के पूरे मंडल को भेजा और सोनगढ़ में पंडित जी का बैंड बाजों के साथ स्वागत हुआ आया। ये बहुत ऐसे ऐसे प्रसंग बने हैं, कितने कितने उपसर्ग और परिसरों को झेलकर ये तत्व ज्ञान अपने तक पहुंचा है। लेकिन गुरुदेव की सबसे बड़ी जो विशेषता रही कि किसी ने कितना भी विरोध किया हो, गुरुदेव ने कभी उसके प्रति द्वेष नहीं पाला। गुरुदेव बोलते थे भूला है लेकिन है तो भगवान, एक समय की पर्याय में भूल है, वो भूल निकाल देगा तो वो भी परमात्मा हो जाएगा, है ना। यानी अपनी विरोध के जितने पॉइंट आते थे विरोधी लोगों की ओर से अखबारों में, अपने प्रवचनों में गुरुदेव श्री उनका स्पष्टीकरण करते थे, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति विद्वेष की भावना कभी गुरुदेव ने नहीं की। इसी तरह एक और बात कहता हूं कि देखो, लोग राजकोट में एक मंदिर बना, राजकोट में मंदिर बना था, प्रसंग तो पुराना है ये भी, राजकोट में मंदिर बना, जैसे सोनगढ़ का मंदिर वो जसानी परिवार ने बनाया ना, इसी तरह राजकोट का मंदिर भी बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जब राजकोट का इतना बड़ा मंदिर और राजकोट का मंदिर बनने पर जो प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी वहां पर आए, तो उन्होंने उन सेठ जी से कहा, सेठ जी तुमने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, इतना विशाल मंदिर बनाया है, आठ भाव में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आठ भाव में मोक्ष हो जाएगा। उन सेठ जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी
मंदिर बनाने का भाव पुण्य भाव है, और पुण्य भाव से मोक्ष होना हम नहीं मानते हैं और हमारे गुरुदेव भी नहीं कहते, ठीक है। इसी तरह बेंगलोर का एक बहुत बढ़िया प्रसंग है, भभूत मलजी भंडारी का नाम आप प्रवचनों में कई बार सुनते होंगे, है ना। बेंगलोर में मंदिर बना, पैसा पुण्य से आता है, कमाने से नहीं आता। इसका जीवंत उदाहरण आपको देता हूं कि सेठ भभूतमल भंडारी बेंगलोर में मंदिर बना तो उस जमाने में 8 लाख रुपए, 50 साल हो गए आज उस बात को, 8 लाख रुपए उस समय में उन्होंने दिए और 4 लाख रुपए एक जुगराज जी ने दिए, ठीक है। 12 लाख का और 2-3 लाख रुपए इकट्ठे होके 15 लाख का जिन मंदिर बना। अभी गुरुदेव श्री पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के निमित्त और अन्य कारणों से, मतलब प्रवचन वगैरह के लिए इनके लिए बेंगलोर पधारे। गुरुदेव श्री का बेंगलोर का प्रवास था 15 दिन का। अब गुरुदेव श्री बेंगलोर पधारे तो भंडारी जी व्यापार करने कैसे जाएं, दुकान पर कैसे जाएं, अपनी पेड़ी पर कैसे जाएं। तो भंडारी जी 15 दिन तक लगातार गुरुदेव की सेवा में रहे, उनके साथ रहे। 15 दिन तक उन्होंने व्यापार नहीं संभाला और उस समय उनके जो बच्चे थे वो भी छोटे थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनके पास 2 करोड़ की स्टील पड़ी थी। कितने की? 2 करोड़ की। और 15 दिन में उस स्टील का भाव अपने आप बढ़ा और उस जमाने में उनको 40 लाख रुपए का फायदा हुआ। कमाने नहीं गए, 15 दिन गुरुदेव की सेवा में रह गए, भाई जो होगा देखेंगे, घटेगा तो ठीक है, बढ़ेगा तो ठीक है, जो होगा सो होगा। अब गुरुदेव यहां पधारे, हम व्यापार धंधे में कैसे जाएं, है ना। तो क्या हुआ कि 15 दिन में 40 लाख रुपए का फायदा हो गया उनको। जब गुरुदेव को ये प्रसंग पता पड़ा और गुरुदेव श्री इस प्रसंग को सुनाते थे तो लोग कहते थे कि बढ़िया रहा, देखो साहब आपका प्रताप है, 8 लाख खर्च किए इसलिए 40 लाख मिल गए। गुरुदेव ने कहा पुण्य का उदय हो तो मिलता है, कमाने से आता है तो व्यापार तो नहीं किया था, 15 दिन तो छुट्टी ले ली थी। पैसा काई से आता है तो पैसा पुण्य से आता है, कमाने से नहीं आता। और जब भी भभूतमल जी साहब आकर सोनगढ़ आते तो ये प्रसंग याद करते हो गुरुदेव, 8 लाख रुपए इनने डाले, 4 लाख रुपए उनने डाले, लेकिन हमने तो पहले से कह दिया, क्या कह दिया, 8 लाख क्या, तुम 8 करोड़ रुपए खर्च करो, यदि तुम्हारे में कसाई की मंदता का भाव है तो पुण्य का बंध होगा, धर्म तो होगा ही नहीं। और यदि लोगों को दिखाने के लिए या अपने नाम के लिए खर्च किया है तो पुण्य बंध भी नहीं होगा, है ना। ये बात आज मैंने जमाना क्या, लोग लाखों रुपए देते थे और लाखों रुपए देने वालों को भी सोनगढ़ में गुरुदेव के सामने कभी स्टेज पर बुला करके माला भी पहनाई गई हो, ऐसा एक उदाहरण नहीं मिलता। और वो परंपरा आज भी सोनगढ़ में चालू है। एक उदाहरण नहीं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए देने वाले भी, अभी गुरुदेव के जमाने में लाखों रुपए देने वाले लोग थे, अभी करोड़ों रुपए देने वाले लोग भी हैं, लेकिन आज तक कभी मंच पर बुला करके माला पहना करके, हम माला पहना करके आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आपने पैसा दिया, ऐसा गुरुदेव के सामने कभी नहीं हुआ। बल्कि वे लोग तो अपने को सौभाग्यशाली समझते थे, अरे गुरुदेव श्री द्वारा प्रतिपादित इस वीतरागी तत्व ज्ञान की प्रभावना में हमारा धन लगा, ये हमारे धन की सफलता है।
और हमें ऐसा भाव आया कि हमारे भाव की सफलता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण गुरुदेव श्री के जीवन में, गुरुदेव श्री के जीवन को पढ़ते हुए आपको मिलेंगे। उनका स्वाध्याय कितना गहरा, कितना अनुयोग उन्होंने पढ़े, उनकी सारी प्रभावना कहां कहां किस किस तरह हुई। जन्म जयंती गुरुदेव की मनाते थे, उन 60वीं जयंती से गुरुदेव की जयंती मनाना चालू हुआ और 91 तक मनाई गई थी। गुरुदेव ने टाइम दे दिया, माना गुरुदेव का अभिनंदन बोलते थे ना लोग, गुरुदेव के बारे, गुरुदेव के बारे में अपना अहोभाव व्यक्त करते थे। तो गुरुदेव प्रवचन करने के बाद गुरुदेव कहते थे भाई 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट में जिसको जो बोलना है बोल ले। अगर सभा लंबी चली 11 मिनट हो गया तो गुरुदेव उठ के चल देते थे, तुम बोलते रहो। और वो भी क्यों, गुरुदेव क्यों कह, गुरुदेव इसलिए कहते थे, गुरुदेव को ये कहा गया कि साहब जन्म जयंती का तो बहाना है लेकिन सच में इस जन्म जयंती के निमित्त जिनवाणी के प्रकाशन के लिए अच्छी धनराशि मिलती है, जिनवाणी की प्रभावना होती है, तो जिनवाणी की प्रभावना के लिए गुरुदेव की जन्म जयंती का कार्यक्रम रखा जाता था। गुरुदेव बोलते थे जब एक बार परमागम मंदिर बन चुका और परमागम मंदिर बनने के बाद किसी मुमुक्षु ने कहा अब यहां पर ऐसा ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए, गुरुदेव श्री ने कहा अब कुछ नहीं बनना चाहिए, अगर तुमको धन खर्च करने का विकल्प हो तो जिनवाणी के प्रकाशन में खर्च करो। 1 रुपए की जिनवाणी अगर तुमको पड़ती है तो 5 पैसे में वो जिनवाणी घर घर पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करो, बाकी ईंट चूने पत्थर में पैसा डालने का कोई मतलब नहीं। एक आदमी ने कहा साहब मेरे पास 35 तोला सोना है और मैं चाहता हूं कि वो सोना सोनगढ़ में दे दूं और आप समय सार पर सोने का कवर चढ़ाए। वो विराजमान था ना स्वाध्याय मंदिर में सोनगढ़ में, तो उस समय सार पर सोने का कवर चढ़ाए आप, मैं सोना देता हूं। गुरुदेव ने कहा बापू हम यहां जंगल में बैठे हैं, हमें चोरों को आमंत्रण नहीं देना है, आपको खर्च करने का कोई भी जाता तो साहब मुझे ये प्रतिमा लाना है, मुझे ये करना है, मुझे, गुरुदेव कहते कुछ नहीं करना है, सोनगढ़ में इतने धर्मायतन बन गए इनको संभाल लो, यही बहुत बड़ी बात है। अब अगर तुमको कुछ भी करने का भाव आता है तो मात्र और मात्र कम से कम मूल्य में लोगों तक जिनवाणी पहुंचे, केवल वो काम करो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और गुरुदेव का प्रभावना योग था कि आज अपने को पता है कि उस जमाने में समय सार 5 रुपए में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2 रुपए में, लागत से भी कम मूल्य पर जिनवाणी पहुंचाने का श्रेय आज हमारे पुराने जिन मंदिरों में जितनी जिनवाणी उपलब्ध नहीं है उससे ज्यादा जिनवाणी हम लोगों के मोक्षों के घरों में है। इसका एकमात्र कारण यदि कोई है तो गुरुदेव श्री, उनका जिनवाणी का प्रेम है, उनको जिनवाणी के प्रति रस है। हम भी गुरुदेव श्री के इस आदर्श को आत्मसात करते हुए जिनवाणी के अध्ययन में अपने उपयोग को लगावें और जिनवाणी का निरंतर अध्ययन मनन करते हुए इस तत्व ज्ञान की आराधना उपासना में संलग्न हो। इसी भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूं, है ना, प्रसंग बहुत हैं लेकिन जितने अभी आपको बताए गए वो सभी प्रसंग और उसके अलावा भी जो बहुत सारे प्रसंग हैं, जब वो पुस्तक हमारी प्रकाशित होगी अपनी गुरुदेव श्री के जीवन यात्रा की तो उसमें वो सब प्रसंग आपको सुनने को पढ़ने को मिलेंगे और भी बहुत सारी बातें आपको उसको जानने की मिलेगी। सभी जीव, हम सभी तत्व ज्ञान की आराधना में लगे रहे, इसी भावना से अभी की बात को यही विराम देते हैं। मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न भी गुरुदेव के जीवन के संबंध में थे लेकिन लास्ट में आपको बात अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी कि वो पुस्तक जो प्रकाशित होकर आने वाली है उसको पढ़ने के लिए मन में कुछ जिज्ञासाएं तो रहनी चाहिए कि उसको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपने इतनी सारी बातें, मैं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं कर रहा हूँ लेकिन आदरणीय सुमत प्रकाश जी भाई साहब की भावनाओं से भरे हुए व्याख्यान जो है वो मैंने पूर्व में 2000
और छः में कूड़े लगातार सुने थे उस समय, और फिर अभी द्वारा एक विद्यार्थी अभी यहाँ सुन रहे हैं कब, तो उस पूरे विषय वस्तु को सात संक्षेप में आपने पांच व्याख्यानों में जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से इतना सारा प्रमेय इतने कम समय में मिलना अपने आप में बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन। ये आदरणीय पंडित साहब की ही विशेषता है जो इस, और कल हम लोग सब बैठ के चर्चा कर रहे थे शायद ठाकुर जी और हम, कि ऐसा लगता था कि मान लो बस, क्योंकि भाई साहब ने बताया कि भाई साहब गुरुदेव से कभी साक्षात नहीं मिले, लेकिन अंकुर जी और हम आपस में बात करें ऐसा लग रहा था कि जैसे आप गुरुदेव के साथ साथ रहे हो, एक एक घटना आपने बिल्कुल बाकायदा देखी हो और देख देख करके उसी समय नोट करते गए हो कि आज गुरुदेव ने ये किया और आज गुरुदेव ने ये किया, और उसका एकदम लाइव टेलीकास्ट चित्र जैसे सामने मिल जाता है। वो है जानने के लिए बहुत है कैसे गुरुदेव अजैन लोगों में फेमस हुए, कैसे गुरुदेव ने पटेल समाज के बीच में भी इतनी प्रभावना करी कि उन्होंने भी अपने लिए जैन मंदिर बनाया, और उसमें आज भी वो आराधना करते हैं, गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते हैं। काणा तालाब का एक जगह है सावरकांटा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ आप कभी जाएं तो आपको पता चलेगा कि जैन पैराइची जैन कोई है ही नहीं, सब पटेल समाज है, और गुरुदेव की जनवाणी को सुनते हैं वो सभी। तो ऐसे ऐसे बहुत प्रसंग अभी और आपको पढ़ने के हैं यात्रा के दौरान, गांव गांव में रुके, कहाँ अभिनंदन हुआ, कहाँ विरोध हुआ, फिर कौन उनके साथ आया, कौन उनके साथ नहीं आया, डॉक्टर साहब कैसे जुड़े, पाटवी जी कैसे जुड़े, इस सब प्रसंग आपको उस 1600 पेज की जो किताब है जो अनेक खंडों में प्रकाशित होगी तो उसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आदरणीय साहब ने अपने इस जीवन में जितना काम किया है देवेंद्र पंडित जी ने, उतना काम करने के लिए दूसरे आदमी को 8-10 भाव लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि केवल उन्होंने लिखा नहीं, आपके